महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत अब जो है फाइनली बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब उनका जो है बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये सब चीज़ें उनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा तब बढ़ गई जब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में पहले उनके खिलाफ में ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई और ईडी ने उनको समन जारी किया और उनको पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक और अपडेट आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सुमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत के सिलसिले में पेश होने में विफल रहने के बाद मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ में जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। आप सबको बता दूं कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले महीने राउत के खिलाफ में एक प्रक्रिया जारी करते हुए एक समन जारी किया था और उन्हें जो है 4 जुलाई को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन सोमवार को ना तो राउत और ना ही उनके वकील जो है अदालत में मौजूद थे। मेघा सुमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा है कि राउत के पेश नहीं होने के चलते ही हमने उसके खिलाफ में वारंट जारी करने के लिए आवेदन किया जिसे अदालत ने अनुमति दे दी है। अदालत ने बाद में मामले को स्थगित कर दिया है और इसे 18 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा गया है। बाय द वे अब जो है शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दूं कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया की वाइफ मेघा सोमैया के खिलाफ में इन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, मतलब कई बड़े गंभीर आरोप लगाए थे जिसको लेकर इनके खिलाफ में वो याचिका दाखिल की गई थी। अब उनके खिलाफ में एक वारंट भी जारी कर दिया गया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे संजय राउत की मुश्किलें और, क्योंकि अब उनके खिलाफ में कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, पहले ईडी के द्वारा और अब जो है कोर्ट के द्वारा भी इनके खिलाफ में वारंट जारी कर दिया गया है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।